मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। नमस्कार आदाब दोस्तों, सुल्तान रिज़वी पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज फिर एक बार हम जो है राजनीतिक गलियारों को लेके हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुल्तान भाई एक बात बताइए कि जैसे कि अभी पर्चा भरने का जो दिन था, आखिरी दिन था, जब तक जो है बहुत ज्यादा मतलब एक लोगों के अंदर उमंग था और एक बहुत हलचल थी, उसके बाद कुछ राजनीतिक गलियारों में जो है मायूसी छाई है, जैसे कि पर्चा उनका कैंसिल हुआ है। हाँ, कई लोगों के जो है पर्चे कैंसिल हुए हैं, जिसमें सात लोगों का नाम बताया जाता है जो पार्टी से भी रिलेटेड है और अपक्ष उम्मीदवार है, उनका पर्चा जो है कैंसिल हुआ है, जिसमें खासकर जो है समाजवादी पार्टी के आदिल खान आजमी का भी पर्चा रद्द कर दिया गया है। और इसकी गुंजन सेठ मीम के उनको भी ये डर सता रहा था कि हमारा पर्चा कहीं निरस्त ना हो जाए, लोग उनके खिलाफ चुनाव अधिकारी के समक्ष 5-5, 6-6 एप्लीकेशन लेकर के खड़े थे कि इनका पर्चा रद्द किया जाए, बहुत सी कमियां हैं इसको लेकर के गुंजन बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए थे और स्टेडियम में थे वो कल बहुत देर तक, तो फिर भी उनका पर्चा जो है वो रद्द होने से बच गया। बहरहाल गुंजन सेठ का पर्चा अगर बचने से बच गया है, अगर उनका समझो रद्द नहीं हुआ है, तो सुल्तान भाई इसमें एक चेहरा और है बहुत बड़ा जो है, एक जो दीपाली सैयद जो है ये अभी अखाड़े में है और ये बहुत बड़ा चेहरा जो है एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की तरफ से जो है उतारा है मुंगरा कौसा में, और ये कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाड को जो है टक्कर देने जैसा चेहरा है। इसके बारे में जो है काफी चर्चा है मुंगरा कौसा के अंदर कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो टक्कर है ये एक देखने लायक होगी आगे आने वाले वक्त में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, दीपाली सैयद के आने से जो है चुनाव का नजारा एक अलग जो है बन चुका है, और जैसा कि जितेंद्र रावत को ये उम्मीद थी कि हल्के फुल्के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जो है आराम से जो है हम मुकाबला करके और इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम वोटों के अंतर से उनका जीतना सुनिश्चित होगा, इसलिए कि दीपाली सैयद जो है वो शिवसेना की एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में जो है वो मुंगरा कौसा के जो है चुनाव में, विधायक के चुनाव में उतरी। तो ये एक चीज और है कि सुल्तान भाई हमने देखा है कि आज जिस दिन रैली थी एनसीपी की, उस दिन टोल नाके से लेकर मुंगरा स्टेशन तक बसेस खड़ी थी और पब्लिक जो है ये बाहर से आई थी, तो अगर ये विकास मुंगरा कौसा में अगर हुआ है और वाकई डेवलप हुआ है तो फिर इतनी सारी बाहर से पब्लिक लाने की जरूरत एक उम्मीदवार को नहीं है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज है कि बुक छपाई गई, आज कई लाखों की बुक छपाई गई, वो भी बांटा गया, लेकिन जब आपने मुंगरा कौसा में डेवलप किया है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, पब्लिक तो खुद आपको वोट डालेगी। हाँ, ये तो उम्मीदवारों के प्रचार करने का, अपने काम करने का एक अलग अलग तरीका है कि जन जन तक, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि हमने ये विकास किया, हमने ये काम किया, इतने दिन में हमने ये किया। हो सकता है कि बहुत से शहर में मसरूफियत रहती है, उनको नहीं मालूम रहता है कि आवाज ने कौन सा विकास किया या हमारे आमदार ने, खासदार ने कौन सा विकास किया, इसलिए उनके तक किताबें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो विकास हुआ नहीं है उसका भी जिक्र किताबों में जो है अंकित है, उसको भी दर्शाया गया है किताबों में। कई बहुत से लोगों ने जो है उंगलियां उठाई है सोशल मीडिया पे, कई नेताओं ने और शहर के जागरूक नागरिकों ने, समाज सेवकों ने इस बात को जो है कहा है कि जो शहर में विकास हुआ ही नहीं वो भी, उसकी भी किताब जो है छपवा करके जो है बटवा गई, ये किताब नहीं झूठ का पुलिंदा है। दूसरी चीज है सुल्तान भाई, एक और जो है उभर के आ रही है कि अभी एक ऑडियो आया है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है दीपाली सैयद का जो है नाम लेने के लिए मना किया जा रहा है, साफ साफ वो भी हम आपको ऑडियो सुनाएंगे। अपने को अपना काम करना है, उसका काम नहीं करना है, और कोई उम्मीदवार कमजोर मत समझो, घर घर में पहुंचेगी टिकटॉक की वजह से, शांत रहो जरा और अपना अपना काम करो। वोटिंग परसेंटेज कैसा बढ़ाना है ये देखो, अगर 1 लाख से जीतना इसका मतलब 1.5 लाख वोट अपने को मिलना चाहिए, ये बचपना मत करो उसके, हर सुबह उठ के टिकटॉक, सुबह सुबह आपको उसकी याद आती है क्या? दिन भर मेहनत करो, रात भर मेहनत करो, और उसका एक भी टिकटॉक मुझे कोई भी ग्रुप पे दिखा, किसी ने डाला हुआ तो फिर पंगा मेरे से।
दूसरी चीज एक और है कि सुल्तान भाई अब भी जो है जितेंद्र आवाज जो है मातोश्री में जाके उद्धव ठाकरे से मिलके जबकि पर्चा भर गया है, उनका कैंडिडेट आमने सामने है, इसकी क्या राजनीति हो सकती है? हाँ, ये भी एक चर्चा का विषय है। और जब अलग अलग उम्मीदवार हैं और पक्ष और विपक्ष की बात है तो ऐसे माहौल में ऐसे मौके पे जो है आखिर क्यों मिले हैं जितेंद्र आवाड जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं, मौजूदा आमदार हैं, वो क्यों जाकर के उद्धव साहब से मिले हैं, शिवसेना सुप्रीमो से, ये भी एक जो है बहुत ही प्रश्न का विषय है। अब हो सकता है कि पर्सनली मिले हो या और कोई बात हो, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता कि वजह क्या है, क्योंकि हो सकता है आपसी जो है भेड़ वार्ता उन्होंने किया। दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज और बताता चलूं कि मीम के जो उम्मीदवार है गुंजन सेठ, वो अभी से अपने को हारा समझ बैठे हैं। पता नहीं क्यों उनके चेहरे पे घबराहट नजर आ रही है। जब इसकी तहकीकात पब्लिक चैनल ने किया तो ये पता चला कि जो उनके साथी थे, जो उत्तर भारतीय का एक बड़ा ग्रुप था, इसे हट चुका है और उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। करीम खान इनके साथ थे, अब्दुल मजीद खान थे इनके साथ, उनका एक बड़ा कारवां था इनके साथ, सब हट चुके हैं। और उधर दूसरी तरफ जो सैफ पठान काफी दिनों से मीम के लिए मेहनत कर रहे थे, एक युवा कार्यकर्ता माना जाता है, ओवैसी साहब उसको पर्सनल जानते हैं, उसने काफी मेहनत किया, उसको टिकट नहीं दिया गया है, इसलिए वो भी जो है अंदर अंदर से नाराज है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, जो निर्देश होगा, जो उनका हुक्म होगा, उसी पर मैं चलूंगा। लेकिन चहलकदमी जो बिल्कुल डिम दिखाई दे रही है, हल्की दिखाई दे रही है, कहीं कोई चमक धमक नहीं है चुनाव में, उससे ये प्रतीत होता है कि मीम के जो गुंजन सेठ है उम्मीदवार है, वो बिल्कुल एकदम से बिल्कुल हल्के नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवाज का रास्ता जो है मीम ने साफ कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सुल्तान भाई ये भी बताया जा रहा है कि शायद एमआईएम ने भी ये जो है कहीं साठगांठ कर लिया, यही वजह है कि ये कमजोर जो है जिसको कोई नहीं जानता है ऐसे कैंडिडेट को उतारा है कि हाँ ये साफ रास्ता इनका जो है एनसीपी का एक आसानी से खुल जाए। हाँ, इसको इनकार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने साठगांठ किया। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं कुछ दाल में काला है। नहीं, हम आरोप लगाने की बात नहीं कर रहे, आज जो है और भी चेहरे थे जैसे कि सईद पठान थे और इजाज खान थे, काफी रिक्वेस्ट किए उन्होंने लेकिन उनको टिकट जो है नहीं दिया गया मीम से। तो आखिर ऐसे आदमी को जिसकी कोई छवि नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, ऐसे आदमी को टिकट देने का वजह क्या हो सकती है? आखिर ये सवालिया निशान बना रहेगा और हमारी नजर भी इस न्यूज के ऊपर बनी रहेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत सही बात कही है, ये वाकई में जो आपने कहा है वो बिल्कुल सच है। इसमें कहीं है कुछ सियासी जो है, इसमें उठा पटक जरूर की गई है, जिससे जो है मीम ने हल्के उम्मीदवार को जो है अपना टिकट यहाँ से दिया है, उनको उम्मीदवार बनाया है कि सामने वाला आसानी से जो है चुनाव जीत के निकल जाए। तो बहरहाल ये पब्लिक चैनल की नजर बनी रहेगी और कहीं ना कहीं ये चिंता जितेंद्र आवाड को भी सताया जा रही है कि दीपाली सैयद जो है एक कैंडिडेट मजबूत और सोशल वर्क भी है, उतरी है मैदान में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरा है। शायद यही वजह हो कि ऑडियो जो है ये जारी किया है और ये पब्लिक चैनल की नजर बनी रहेगी। मैं राम मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मैं सुल्तान रिज़वी पब्लिक चैनल से फिर एक नई न्यूज के साथ।